मैंने कहा कि सर ये ऐसे ऐसे, बोले सर इट्स नॉट अर्जेंट मार्क उत्कर्ष। मैं सर अर्जेंट ही उत्कर्ष के लिए नहीं, किसके लिए उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है भाई? अगर उत्कर्ष क्लासेस के लिए आज आशीर्वाद है, अपन उसका लाभ क्यों ले रहे हैं? अच्छा, मेरा व्यक्तिगत रूप से सर कोई दुश्मनी नहीं है, मैं व्हाट्सएप मैसेज दिखा सकता हूँ, सर की तबियत खराब होती है, मैं उनको बोलता हूँ सर ध्यान रखो अपना, बधाई भी देता हूँ, ऐसा कोई नहीं कोई व्यक्ति का गलत है तो गलत है, ऐसी नहीं बात है। और मुकेश पंचोली के इतिहास में जो गलत होगा उसकी सजा होती है, सजा में माफी है ही नहीं माया पे। हम स्टाफ को भी माफ नहीं करते तो कोचिंग वालों को भी माफ नहीं करते, सीधी बात है। तो मैंने अब बताइए, जब मैं उनको कह रहा हूँ सर आज जयपुर हो बच्चे हैं, मेरे को क्या जवाब मिलता है? जवाब सुनिए, जवाब मिलता है सर ये उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, उत्कर्ष और भी बहुत बड़ी संस्था हो चुकी है और उत्कर्ष में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये छोटा मोटा काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सर आप ये सुबह शाम आपके घर में जो चूल्हा चलता है वो चलता कहां से है? वो चलता कहां से है? कोई आपने कोई कोयले की खान या कोई कोई सीढ़ी की खान घर में खुदा रखी क्या? भाई 45 बच्चे तो देता है, आप बच्चों को बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते? क्यों डर लगता है क्या आपको? भाई अगर इतनी बड़ी संस्था अगर मैंने कहा तो आरपीसी अगले दिन बैन करा दो, आरपीसी बैन करा के सभी को कहा बाहर को एग्जाम नहीं होगा किसी का, तो एग्जाम कहा किसी का? हम यहाँ पर सुबह शाम पढ़ाते रहते हैं। और चलो मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार एक तो मैं क्लास छोड़ के आया हूँ, मैं पूरे दिन क्लास में बिजी रहता हूँ और उसके बाद बच्चों के साथ ये चीज होती रहा। मेरे को पता है ये बात, मेरे को पता है कि बच्चा को हम स्टूडेंट है ना, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की है, बाकी किसी की गलती नहीं। तुम बाहर तो बातें करते हो आरपीसी, कोई गलत है आरपीसी, तुम सब गलत हो, सब पेपर कौन खरीदता है? स्टूडेंट वैसे तो गलतियां दूसरे को जोड़ो भाई, सीधी बात है, जिसको आप खरीदने आओगे वो बेचेगा ही, माल अगर खरीदा वो बेचेगा ही होगा, चाहे आप चरस हो अफीम हो गांजा कुछ भी हो सब बेचेंगे सर, आप खरीदने जाते ही क्यों? बट ठीक है, हो रहा है होता रहेगा। अरे सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, मतलब अपन बात है सीएम वाला शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं भाई साहब मैं तो 3 साल ऐसे ही निकाल देते हैं, उखाड़ो क्या करोगे? उखाड़ा किसी ने? कुछ नहीं उखाड़ा सर, इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं होता सर। आज मैं एक मैटर कर दूंगा मंदिर में आकर बैठ जाऊँ, बोलो आप कर देना, फिर कल